कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है ना, उसके लिए एक पेपर बता रहा हूं। डंके की चोट पर कहता हूं, जो बच्चे इस पेपर को करके जाएगा परीक्षा में बिल्कुल नंबरों की बोझार अपने ऊपर करके आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शब्द का प्रयोग किया था। ये किया था आपके इरेटोस्थेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। किसको? लवण को। वायुदाब मापने का यंत्र है बेरोमीटर, यानी कि बेरोमीटर के द्वारा क्या होता है, वायुदाब मापा जाता है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का जो संरक्षण है वो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जंतु हो चाहे पौधे हो या पौधे और प्राणी हो। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? देखिए, जो डोडा चोटी है वो नल्ला माला के ऊपर स्थित है। भारत का प्राचीन स्थल कौन सा है, स्थल खंड कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम स्थलखंड है वो है प्रायद्वीपी पठार। क्या है? प्रायद्वीपी पठार। अगला देखिए, रिक्त स्थान है। अब भूतल पर वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है। क्या बोल रहा है? भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं भैया? बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त महासागर में मिलते हैं। सबसे अधिक जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं। प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर, सॉरी ये प्रशांत हो गया। इसके बाद में विदेशज प्रजातियों से भारत विश्व का देश बड़ा देश है। भारत जो विश्व का वो है सातवां बड़ा देश है। कौन सा है? सातवां। भारत के पड़ोसी द्वीपी देश, भारत के जो पड़ोसी द्वीपी देश है वो एक तो श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। ये देखिए, यहां से है अब कि सही जोड़ी क्या है। सही जोड़ी है पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी द्वारा बने घुमाव, नदी द्वारा जो बना घुमाव है वो आपका विसर्प कहलाएगा। सूर्यताप ये जो है इसका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता फसलों की विविधता। और गेंडा असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र है। तो ये आपका पांचवा जाएगा। अगला देखिए, भारत पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6378 किलोमीटर है। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीव के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है?
आठ वर्गों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, ये तीसरा हो जाएगा आपका असत्य। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, सत्य है। भारत की में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, ये भी आपका सत्य है। अब अगला देखिए, यहां से भूगोल किन किन शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल की एक परिभाषा लिखिएगा। वेग कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जल वायु से क्या तात्पर्य है। विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है, ठीक है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तटीय सीमाओं के से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। हिमालय के तीन प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए, ठीक है। हिमालय पर्वत के कोई दो महत्व आपको समझाना है। नदी द्रोणी और जल सांभर में अंतर, ठीक है। भूकंप में कोई दो हानिकारक प्रभाव आपको बताने हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। समुद्र स्थल समीर का वर्णन कीजिए। वर्षा के कितने तीन प्रकार लिखिएगा। यहां से अपन क्वेश्चन